myself Hina. Welcome to my YouTube channel Keep Learning. आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्लासी युद्ध के बारे में. ये हमारी आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया. इसके साथ ही जो कुछ युद्ध हुए उनके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध. तो हम अपना ये टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं. प्लासी का जो युद्ध है, ये युद्ध हमारा होता है 23 जून 1757 ईस्वी में. इससे पहले हम थोड़ा भारत के बारे में पढ़ लेते हैं कि उस समय जो भारत में शासन था वो कैसे चल रहा था. हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि 1707 में क्या है, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु. और औरंगजेब मुगल शासन के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे. उनके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई भी ऐसा राजा नहीं बना जो कहे कि पूरी मुगल व्यवस्था पर अपना कंट्रोल कर सके, या जो क्षेत्रीय व्यवस्था है, जो क्षेत्रीय शासन है, उन पर पूरा का पूरा अपना नियंत्रण रख सके. केंद्र में ऐसी कोई भी पावर नहीं थी जो जो जगह जगह के जो क्षेत्र के राजा हैं उनके ऊपर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण रख सके. तो इस क्रम में क्या होता है कि जो अलग अलग राज्य हैं वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना आरंभ कर देते हैं, अपने आप को मुगल सत्ता से पृथक करना शुरू कर देते हैं. तो भारत में ये है बंगाल का क्षेत्र. बंगाल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की हो जाती है यहां पर मृत्यु. कोई भी ऐसे शासक नहीं आते जो कि पूरा नियंत्रण हो सके. इसी बीच में क्या होता है, जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर जो शासन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मुर्शीद कुली खां. ये यहाँ के नवाब हैं. ये अपने आप को धीरे धीरे मुगल सत्ता से क्या करना शुरू कर देते हैं, स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं. ये अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं किससे, मुगल सत्ता से. मतलब इनके काल में ही जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है वो उसका आरंभ हो जाता है, क्षेत्रीय स्वायत्तता का आरंभ हो जाता है. मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग क्या हैं, अपने आप को जो केंद्र में मेन पावर बैठी हुई है, मुगल जो शासन कर रहे हैं पूरे भारत में, उनसे आपको स्वतंत्र कर रहे हैं. उनको कर तो देते हैं, थोड़ा बहुत उनका नियंत्रण है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा हम यहाँ पर क्या है, मुगल शासन का कोई नियंत्रण ना हो, यहाँ पे जो भी डिसीजन हो वो हमारे द्वारा ही हो. तो ये जो काम शुरू करा क्षेत्रीय स्वायत्तता का, ये कार्य सबसे पहले शुरू करा किसने, मुर्शीद कुली खान ने. यहां से हो जाता है इसका आरंभ क्षेत्रीय स्वायत्तता का. दूसरी तरफ इस समय तक भारत में फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली कई कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ चुकी हैं, और वे सभी क्या कर रही हैं कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही हैं. और साथ ही साथ वे क्या चाहती हैं कि यहाँ की जो जिस जिस क्षेत्र पे वे व्यापार कर रही हैं उन क्षेत्रों पर उनका पूरा अधिकार हो, उनके ऊपर किसी के नियम ना हो, वहां के राजा का किसी प्रकार का कोई शासन ना हो, वे क्या है यहाँ पर स्वतंत्र होकर व्यापार कर सके, उनसे किसी प्रकार का कोई कर ना लिया जाए. तो एक तरफ जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज आ गए हैं हुगली नदी पर, इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिया है, व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया है, यहां पर व्यापार कर रहे हैं. साथ ही साथ इन्होंने कलकत्ता शहर बसाया है.
कलकत्ता का शहर बसा लिया है यहाँ पे, फोर्ट विलियम की स्थापना कर ली है, अपना किला बनाया है फोर्ट विलियम। ये सारी चीजें क्या है, अंग्रेजों के द्वारा की जानी है। मतलब एक तरफ तो अंग्रेजों का प्रभाव भी बंगाल के क्षेत्र पे देखने के लिए मिल रहा है, और दूसरी तरफ मुर्शिद कुली खां है वो भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को मुगल सत्ता से स्वतंत्र कर रहे हैं, मुगल सत्ता से अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो मुर्शिद कुली खां ने कुछ कदम उठाए, कुछ कार्य किए। जैसे उन्होंने क्या करा कि जो राजस्व वसूली का कार्य था, राजस्व वसूली का कार्य पहले जमींदार किया करते थे, तो उन्होंने इस व्यवस्था को भी बदल दिया और उन्होंने नई व्यवस्था एक चलाई जिसका नाम दिया इजारा। इजारा, इजारे व्यवस्था का आरंभ इन्होंने किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व वसूली का कार्य था वो ठेकेदारों को सौंप दिया गया, ठेकेदारों को राजस्व वसूली का कार्य सौंप दिया गया। अब ठेकेदारी क्या है, यहां से कर को वसूल कर रहे हैं, ऐसी कुछ इन्होंने मतलब मुगल जो पावर है उनके जो कंट्रोल है उससे बाहर होकर कुछ अलग अलग अपने नियम क्या है बंगाल में ये बना रहे हैं और वहां पर शासन कर रहे हैं। और क्या है कि अंग्रेज भी अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं कि ये अपना शहर बसा रहे हैं, यहाँ पर अपनी सेना रख रहे हैं, जगह जगह व्यापार कर रहे हैं, और ये भी क्या है इनके हस्तक्षेप को कम कर रहे हैं, जो मुगलों का हस्तक्षेप है उनको ये कम मान रहे हैं। इनका प्रभाव, अंग्रेजों का प्रभाव भी क्या है भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 1727 में हो जाती है मुर्शिद कुली खां की मृत्यु। इन्होंने एक शहर भी बसाया जिसका नाम क्या था, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, और इन्होंने फिर जो इनकी राजधानी थी वो ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी बदली और किसको बना लिया, मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की हो जाती है मृत्यु। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो यहाँ के नए नवाब बनते हैं वो बनते हैं सुजाउद्दीन। और ये कब तक रहते हैं, 1739 तक ये बंगाल के नवाब रहते हैं। 1739 में नए नवाब बनते हैं, 1739 में नए नवाब बनते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1739 में, और नए नवाब बनते हैं सरफराज। सरफराज यहाँ के नए नवाब बन रहे हैं। कहाँ के, ये सारा हम पढ़ रहे हैं बंगाल के क्षेत्र के बारे में कि बंगाल कैसे अपने आप को मुगल सत्ता से स्वतंत्र करता है, और बाद से ये बाद में क्या होता है कि बंगाल अंग्रेजों द्वारा इनसे छीन लिया जाता है। तो इस चीज के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं कि कैसे षड्यंत्र होता है, अंग्रेज कैसे इनके साथ षड्यंत्र करते हैं आगे चलकर। और जो बंगाल का क्षेत्र है जिसे पहले इन यहाँ के नवाबों ने यह सोच के मुगल सत्ता से अलग किया कि हम अपने आप यहाँ पर शासन करेंगे, लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा ये क्षेत्र इनसे छीन लिया गया। तो 1739 में सरफराज नए नवाब बनते हैं। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो ये है कि इनके शासनकाल में ही बंगाल के क्षेत्र में उड़ीसा तथा बिहार को भी मिला दिया गया। उड़ीसा तथा बिहार का जो क्षेत्र है उसको बंगाल के क्षेत्र में मिला दिया गया। बंगाल के क्षेत्र में उड़ीसा तथा बिहार को सम्मिलित कर दिया गया। ये तीनों क्षेत्र अब किसके अंदर है, बिहार के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र आते हैं। बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में क्या करता है, सरफराज की कर देता है हत्या। सरफराज की हत्या कर देता है। Thank you.
और अपने आप को क्या करता है, ये बंगाल का नया नवाब अपने आप को घोषित कर देता है। 1740 में बंगाल का नया नवाब कौन बनता है, अलवर्दी खां। और ये क्या करता है, सरफराज की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ही अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। लेकिन ये एक गलत तरीके से बंगाल का नवाब बना था, इसीलिए क्या है कि वहां के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये क्या करता है कि 2 करोड़ रुपए का नजराना मुगल सत्ता के पास भेजता है और उनसे ये कहता है कि आप मुझे यहाँ का वैध नवाब बना दीजिए। तो जो मुगल सत्ता में जो उस समय बैठे होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 करोड़ रुपए नजराने के रूप में ले लेते हैं और इसे यहाँ का नया नवाब बना देते हैं। अभी वैध रूप से बंगाल का नया नवाब है कौन, अलवर्दी खां। ये कब बनता है, 1740 में ये नया नवाब बना। और कैसे बना, सरफराज की हत्या करके ये बंगाल का नया नवाब बना। अब अंग्रेज क्या है, वो भी अभी हमने पढ़ा कि वो भी स्वतंत्र हो रहे हैं। वो हो कैसे रहे हैं कि इनको क्या है कि यहाँ के जो नवाब है उनका सहयोग मिल रहा है। जैसे कि फरुख सियर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फरुख सियर जो थे उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर, बंगाल यहाँ पर क्या करा कि व्यापार करने के लिए छूट दे दी कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जाएगा और वे यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बंगाल के क्षेत्र पर क्या है व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अंग्रेजों का प्रभाव भी एक तरफ बंगाल के क्षेत्रों पर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ये जो नवाब है वो अपना राज यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं। तो अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नया नवाब बन गया। अब होता क्या है कि यहाँ के जो राजा हैं वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से काफी परेशान हो जाते हैं। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि भारत में रहकर ही भारत के राजनीतिक मामलों में काफी हस्तक्षेप कर रहे हैं और साथ ही अपनी सेनाएं रख रहे हैं। इन सब चीजों से क्या है, यहाँ के राजा धीरे धीरे परेशान होने लग जाते हैं और उन्हें इस बात यह एहसास होने लग जाता है कि कोई बाहर देश से आकर हमारे देश में अपनी सैन्य व्यवस्था रख रहा है, सेना रख रहा है और साथ ही क्या है यहाँ पर व्यापार कर रहा है, हमारी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं मान रहा है, अपने खुले ढंग से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से यहाँ के जो नवाब होते हैं वो काफी परेशान होने लग जाते हैं। इसी बीच में 1756 ईस्वी में अब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार भी कर रहे थे, साथ ही साथ जो मुगल सत्ता थी उसको काफी नुकसान भी पहुंचा रहे थे। वो कैसे पहुंचा रहे थे कि इनको जो अधिकार दिए थे कि ठीक है आप जिन क्षेत्रों पर फ्री व्यापार कीजिए, यहाँ पर कर मत दीजिए, वहां पर तो ये व्यापार कर ही रहे थे फ्री में, और साथ ही साथ और भी कई क्षेत्र थे जहां पर ये कर देने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर इन्हें मुगल शासकों द्वारा जो क्षेत्र नजराने के रूप में दिए गए थे वहां से ये क्या कर रहे थे, किसानों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूल कर रहे थे। और जब राजा इनका विरोध करते थे इस बात को लेकर, तो ये ऐसी चाल चलते थे, ऐसा षड्यंत्र रखते थे कि उस राजा को उसके पद से हटवा देते थे और नया राजा जो इनकी सारी बातों को माने, अंग्रेजों की बातों को माने, वहां पर उस राजा को नियुक्त करते थे, मतलब उसका साथ देते थे। तो इन सब चीजों से क्या है कि भारत के जो राजा हैं उन पर काफी परेशान है, वो सभी पर अंग्रेजों का जो प्रभाव है बहुत ही गलत पड़ रहा है। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई पुत्र नहीं होता, इनकी होती है 3 पुत्रियां। अब तीनों पुत्रियों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा होता है कि अब बंगाल का नया नवाब कौन बने। ये तीनों ही पुत्रियां चाहती हैं कि इनके पुत्र यहाँ कर नवाब बने, लेकिन अंत में इनकी जो तीसरी पुत्री होती है उनके पुत्र सिराजुद्दौला यानी कि अलवर्दी खां के पौत्र जो होते हैं जिनका नाम क्या है, सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बनते हैं, ये जैसे ही नवाब बनते हैं इनके सामने कई समस्या होती हैं। एक तो इनके जो परिवार के सदस्य होते हैं, इनकी जो 2 और मौसी होती हैं
वही इनका विरोध कर रही होती हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी उत्तराधिकार को लेकर सबका सब अपने अपने आप को चाह रहे थे बंगाल का नवाब बनना, लेकिन ये बन जाते हैं तो इसी बात को लेकर इनके परिवार के बीच में कलह चल रहा होता है, कलेश चल रहा होता है। और साथ ही कुछ दरबारी भी होते हैं जो इनके विरुद्ध में होते हैं। तो इन सब चीजों का सामना अलवर्दी इनको सिराजुद्दौला को करना पड़ रहा था। साथ ही अंग्रेजों की गतिविधियों पर भी पूरी तरीके से नजर रखे हुए थे कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पर आकर किलेबंदी कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे और वहां पर अपनी सेनाएं रख रहे थे, तोपखाने लगा रहे थे। तो इन सब चीजों को भी सिराजुद्दौला देख पूरी अपने नजर में रखे हुए थे। अंग्रेजों का एक किला था, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम। सत्रह सौ छप्पन में अंग्रेज इसकी किलेबंदी करना आरंभ कर देते हैं, किलेबंदी करनी आरंभ कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं प्लासी के युद्ध की तरफ, क्योंकि 57 में प्लासी का युद्ध हुआ है, 56 तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, सडनली जो उसके कारण है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी शुरू कर दी, साथ ही इस किले के ऊपर लगाने लगे तोपे लगानी आरंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने इस बात का विरोध किया, इन्हें मना किया। अंग्रेज ही किले नहीं बना रहे थे, इनके साथ फ्रांसीसी भी अलग अलग क्षेत्रों में अपने किले बना रहे थे, लेकिन ये तो बात थी, सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि आप ये यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, आराम से इन क्षेत्रों पर व्यापार कीजिए, आप किसी भी प्रकार की कोई किलेबंदी यहाँ पर नहीं कर सकते। फ्रांसीसी तो इनकी बात को मान जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश इनकी बात को नहीं मानते, वह अपना कार्य जो है चालू रखते हैं और किलेबंदी कर देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर तोपे भी लगाने लग जाते हैं। तो 1756 में सिराजुद्दौला इनके इस किले पर आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं और इनसे ये किला पूरा छीन लेते हैं। ये किला कहाँ पर है, कोलकाता में ये किला है। सिराजुद्दौला हमला कर देते हैं किले को अपने अधिकार में ले लेते हैं। इसी बीच जो महत्वपूर्ण एक घटना घटित होती है, इसी किलेबंदी पर हमला के दौरान जो एक घटना होती है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, वो घटना है ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे हम काल कोठरी घटना के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लैक होल की घटना है, ये होती है 20 जून, इसे हमें याद रखना है, ब्लैक होल की घटना ये 20 जून 1756 ईस्वी को घटित होती है। और ये घटना क्या थी कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम किले पर हमला किया तो यहां से 146 सैनिकों को, ब्रिटिश के जो 146 सैनिक थे उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया। 146 सैनिकों को सैनिक या फिर जो ब्रिटिश लोग थे उनको ब्रिटिश लिखते थे यहां पर हम। इसके एक कमरा था 14x18 का, उसके अंदर इनको 146 लोग, इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों को यहां पर बंद कर दिया। और यहाँ पर एक छोटा सा गेट था सिर्फ, उसमें से इनको डालते गए और 146 लोग इसके अंदर डाल दिए गए। जब अगले दिन इसका दरवाजा खोला गया तो इसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ 23 लोग ही जिंदा थे। बाकी 123 लोगों की यहां पर मृत्यु हो चुकी थी। इसे जानते हैं ब्लैक होल घटना के नाम से। ये कब घटित हुई, 20 जून 1756 में ये घटना घटित हुई। अब इस घटना की जानकारी पहुंचती है रॉबर्ट क्लाइव के पास में। रॉबर्ट क्लाइव इस समय कहां पर थे, मद्रास के क्षेत्र में हुए थे अंग्रेजों के सेनापति।
रॉबर्ट क्लाइव के पास में इस बात की जानकारी पहुंचती है। और ये अपनी सेना लेकर चल देते हैं सिराजुद्दौला की तरफ, अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला की तरफ चलते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। और ये जो इनका जो किला होता है ये वापस अंग्रेजों से, अंग्रेज इनसे सिराजुद्दौला से छीन लेते हैं। यहीं पे इनके बीच में एक संधि होती है, जिस संधि को किस नाम से जाना जाता है, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। किस किस के बीच में होती है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, या रॉबर्ट क्लाइव जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये संधि होती है, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि में अंग्रेजों को यह परमिशन दे दी जाती है कि वह उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई चुंगी कर नहीं दिया जाएगा, नहीं उनसे वसूला जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का वो कर नहीं देंगे, तो ये इनको मिल जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इतनी बातों से कहाँ खुश होने वाले थे, अब उनका जो दिमाग था वो इस बात की ओर चल रहा था कि अब हम क्या करेंगे, पूरे बंगाल पर ही अपना शासन करेंगे, अब बहुत हो चुका इन नवाबों से लड़ना झगड़ना, बार बार इनके हमले देखना और इनका हस्तक्षेप अपने व्यापार में सहन करना, तो अब ये डिसाइड करते हैं कि बंगाल के पूरे क्षेत्र पर हमें अपना अधिकार करना है। तो इसके लिए ये कुछ चालें चलनी शुरू करते हैं। ये जो मुर्शीद कुल, ये जो है सिराजुद्दौला, इनके तो विरोधी पहले से हमने पढ़ा की थे, इनकी मौसी इनकी इनके विरोध में थी, इनके परिवार के और सदस्य थे, दरबार में भी कुछ लोग थे जो इनके विरोध में थे, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव उन्हीं जो इनके विरोधी थे उनसे जाकर मिल जाते हैं, सिराजुद्दौला के विरोधियों से जाकर मिल जाते हैं और षड्यंत्र बनाते हैं जिसके तहत इनको इनके पद से हटाने के लिए चाल चली जाती है। तो इनका सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम क्या है, मीर जाफर। ये रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल जाता है क्योंकि ये भी जो था ये चाहता था कि बंगाल का नवाब क्या है अब मैं बनूं, जो मीर जाफर था वो भी चाहता था कि बंगाल का नवाब मैं बनूं, और नवाब बनने के लिए सिराजुद्दौला को उसके पद से हटाना जरूरी था, और इधर रॉबर्ट क्लाइव भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। और वो षड्यंत्र क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव इनको एक पत्र लिखकर भेजते हैं जिसमें उन्हें ये कहा जाता है कि हमारे बीच में जो संधि हुई थी आप उस संधि के विरोध में जा रहे हैं, उस संधि का आपने उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको दंडित किया जाएगा। और दंड देने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला जो कि मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी, इनकी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद में बैठे हुए थे, मुर्शिदाबाद में थे, उनकी तरफ को कूच कर देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर के साथ मिलकर इनकी तरफ कूच कर देते हैं। मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है, इनका सेनापति होता है और इनके साथ बहुत ज्यादा विश्वासघात करता है। अब रॉबर्ट क्लाइव चल दिए किसकी तरफ, सिराजुद्दौला की तरफ, और वहां पर सिराजुद्दौला को जब पता चलता है कि अंग्रेज अपनी सेना लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वह भी इनका विरोध करने के लिए, सिराजुद्दौला का विरोध करने के लिए मुर्शिदाबाद से चल देते हैं। तो अब ये यहाँ पर प्लासी नामक एक जगह पर, प्लासी प्लासी के मैदान में ये दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। कौन सी सेना, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, और यहां पर होता है इन दोनों के बीच में युद्ध। अब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर को
अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो साथ दे रहा था अंग्रेजों का, इसलिए वो निष्क्रिय होकर वहां पर खड़ा रहता है और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता, मतलब इनका साथ नहीं देता है। तो यहाँ पर अंग्रेजों की सेना क्या है, इनके ऊपर हमला कर देती है। हालांकि सिराजुद्दौला का कुछ उसके जो सेनापति थे वो साथ दे रहे थे, जिनमें मीर मदान और मोहनलाल, ये इनके सेनापति थे, इन्होंने इनका काफी साथ दिया, ये इनके सेनापति हैं, ये इनका साथ देते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजों द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या हो जाती है। और जो मीर जाफर है ये विश्वासघात कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सिराजुद्दौला की भी हत्या कर देता है। कुछ ही समय के लिए ये युद्ध चलता है, ये युद्ध हुआ कब था, 23 जून 1757 को, और कुछ समय युद्ध चलता है, यहाँ पर हो जाती है सिराजुद्दौला की मृत्यु। हत्या कर दी जाती है इनकी, किसके द्वारा कर दी जाती है, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और अब इसने मीर जाफर को ये अंग्रेज जो है यहाँ का नया नवाब बना देते हैं। अब बंगाल का जो नवाब बन गया वो कौन बना, बंगाल का नवाब बन जाता है मीर जाफर। मीर जाफर जब नवाब बन जाता है तो ये खुश होकर अंग्रेजों को बहुत से गिफ्ट देता है, बहुत से गांव इनको सौंप दिए जाते हैं, इनके ऊपर जो टैक्स थे वो सारे माफ कर दिए जाते हैं अंग्रेजों के ऊपर, और इस तरीके से मीर जाफर यहाँ पर व्यापार करने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफर को भी एहसास होता है कि वो अंग्रेजों की मात्र के है कठपुतली बनकर रह गया है, जो अंग्रेज है उसका फायदा उठा रहे हैं, उसे पद पर बैठा कर क्या कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए जो भी कार्य है वो सभी उनके द्वारा किए जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो राजकोष है वो पूरा का पूरा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई कर नहीं दे रहे अंग्रेजों के, जो अंग्रेज कंपनी तो व्यापार कर ही रही है, साथ ही साथ कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी कंपनी के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि कर नहीं चुका रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कर की वसूली नहीं हो रही है। इस सब में कुछ भारतीय लोग भी शामिल हैं, भारतीय व्यापारी भी हैं जो अंग्रेजों से मिल गए, वो क्या करते हैं कि अपना माल जाकर अंग्रेजों को सौंप देते हैं, और अंग्रेजों क्योंकि अंग्रेजों को अंग्रेजी कंपनी को कर में छूट दी गई थी, तो उनको सौंप देते हैं कि आप हमारा माल चुंगी पार करा दीजिए, और जैसे 30% डिसाइड किया गया तो उसमें से 10% ही अंग्रेजों को देकर अपने माल को वहां से निकलवा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पूरे जो यहाँ पर ये जो है इन सबके राजकोष को काफी हानि हो रही है। तो ये किसी तरीके से अपने आप को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं। तो अंग्रेज इनकी गतिविधियों को धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, और अब वो क्या करते हैं कि मीर जाफर को हटाकर 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम पहले से अंग्रेजों के इन सब चालों से परिचित था, तो वो क्या करता है जैसे ही वो नवाब बनता है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में तोप कारखाने की स्थापना करता है, तोपों का निर्माण करवाता है, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वो क्या करता है सैनिक परीक्षण करवाता है, और वह जो सैनिकों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही, अंग्रेजों के जो सेनापति हैं उनकी नियुक्ति करता है ताकि वो अपने भारतीय सेनाओं को अच्छे से प्रशिक्षित कर सके। तो इस तरीके के कार्य करना आरंभ कर देता है, और इनके अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए ये अपनी राजधानी भी परिवर्तित करता है, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी परिवर्तित कर देता है, और बिहार के क्षेत्र में ही अपनी राजधानी को ले जाता है।
ताकि जो अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है राजनीति में वो कम से कम हो सके। इन सब बातों को अंग्रेज जानते हैं, बाद में फिर ये दोबारा से यही करते हैं कि मीर कासिम को यहाँ से हटा देते हैं और दोबारा से एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। इस तरीके से अब बाद में इनके बीच में होता है बक्सर का युद्ध। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध जिसको आज हमने पढ़ लिया है, और जो आगे की हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।